स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सो गाइस, ये जो TVS इंट्रो 125 cc वाला मॉडल है और BS6 बाइक है स्कूटी, तो इस स्कूटी में प्रॉब्लम हो रहा था, जो एक मैकेनिक ने बाइक को फिट किया और कुछ सेंसर का प्रॉब्लम आ रहा था, बट मेरे पास लाया है ये चेकअप करने के लिए। जो कोई सेंसर का साथ इस बाइक में कनेक्ट हुआ क्या, डिसकनेक्ट हुआ या कोई सेंसर मिसिंग है, उसको RPM प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को भी मदद मिल जाए। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जो बाइक का अगर RPM प्रॉब्लम हो, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो गाइस सबसे पहले मैं बता देता हूँ इस बाइक में एक्चुअली हुआ था क्या। इस बाइक का कंप्रेसर ख़राब था और उस मैकेनिक ने लगाया था इस बाइक का वाल्व, लगाने के बाद कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट मारते हैं बाइक में। इसका ट्यूनिंग RPM ठीक से नहीं आ पा रहा है, ठीक है, इसका RPM ठीक नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे OBD, जो बाइक में कुछ अगर फूल रहे तो हमको पता चल जाता है। तो चलिए हम कनेक्ट करते हैं, हमारे पास यूनिवर्सल केबल है और इसमें लगेगा हम लोगों का जुपिटर वाला केबल, ठीक है। स्कूटी के लिए अलग होता है और बाइक के लिए अलग है, तो ये बाइक के लिए है, स्कूटी के लिए है। तो चलो इसमें अटैच करते हैं, अटैच कर दिया है और यहाँ लाइट भी आ रही है देखो। अब चलो इसे साइड में रख देता हूँ और यहाँ दिखाइए टॉर्क एप्लीकेशन में हम नहीं जाएंगे, पहले हम ब्लूटूथ पे जाएंगे। तो चलो ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं और हमारा कनेक्ट लिया हुआ है, फिर भी हम आपको बताते हैं इसको डिलीट करने के बाद नया हाली से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप पिन कोड डाल दिया, अब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं टॉर्क एप्लीकेशन के साइड पर। तो यहाँ जब तक हम लोगों का कांटा शो नहीं करेगा, इश्यू के साथ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा देखिए कांटा हिलेगा तो भी हम लोगों का देखो कनेक्ट हिल चुकी है। अब हम इसको पूरा चेकअप करेंगे, तो चलिए यहाँ चेकअप करते हैं। जब परसेंटेज 100 हो जाएगा तो बाइक में कोई भी फॉल्ट है अगर डिफॉल्ट बता देगा हमको। तो बाइक में बता रहा है 0 फॉल्ट है, कोई भी फॉल्ट नहीं है, फिर भी हम बाइक को अपडेट कर लेता हूँ। 3 डॉट पर मारेंगे, मारने के बाद यहाँ रिफ्रेश अभी करेंगे, क्लियर फॉल्ट डाटा में करेंगे। तो यहाँ हमको बता रहा है पूरा डिटेल से, यहाँ आप पढ़ लीजिए। तो बोल रहा है बाइक को अगर कुछ भी फॉल्ट रहा है तो हम जैसे कि अपडेट कर सकते हैं। तो चलो ओके मारेंगे, बाइक को पूरा अपडेट कर लेगा, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चेक इंजन भी नहीं, लाइट भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो चलो हम इस तरह से बता रहा है कंप्लीट, बाइक में कोई भी फॉल्ट नहीं है, ठीक है। अब हम आपको एक्चुअली बता रहे हैं, जो बाइक इशू कंट्रोल को कुछ भी नहीं पता है लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो RPM प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ से नहीं करेंगे। चलिए इसको रख देते हैं, इसको रख दीजिए। ये जो स्क्रूप का नाट है, ये हम लोगों का यार स्क्रूप का नाट है। RPM को मेंटेनेंस हम लोग थ्रोटल से अगर करें तो काम नहीं बनता है, तो इसके लिए हमको थोड़ा यहाँ से मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो शायद भैया ने इसे ज़्यादा ढीला कर दिया है, तो थोड़ा मैं टाइट करूँगा और अच्छी तरह से एडजस्ट करूँगा बाइक स्टार्ट होने पर। तो चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो बाइक को स्टार्ट कर लिया है, अभी गिर रहा है स्टार्ट। थोड़ा RPM ज़्यादा हो गया है,
तो गाइस अभी इसका जो RPM है परफेक्ट है, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, ठीक है। तो इसका RPM परफेक्ट है, यहाँ से भी तो हम लोग थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बट यहाँ से हम लोग अगर बढ़ाएँ तो इसमें फोल्ड होता है क्या, कमेगा नहीं, यहाँ से नहीं कमेगा। तो RPM अगर हम यहाँ से कोशिश करें तो RPM बढ़ाने के लिए हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर RPM ज़्यादा हो तो इससे हम कमा सकते हैं। तो चलो हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ इलेंकी नाट से हम लोग एडजस्ट किए, और ये जो नाट है यार स्क्रूप का नाट है, अगर यहाँ से आप लोगों का RPM नहीं कम रहा है तो इसको आपको टाइट कर दीजिए, ज़्यादा टाइट मत कीजिए वरना फ्यूल ज़्यादा खाएगा। और इसको हम लोग मिला के रखना पड़ेगा, जो बाइक में RPM होता है जो 1000 बरसों के आसपास में रखना चाहिए। तो इंड्रोक बाइक में आप लोगों को यार स्क्रूप से यहाँ से आप लोगों का थ्रोटल काम नहीं करेगा, जैसे कि हम लोग बढ़ा सकते हैं अगर रेस ज़्यादा हो, यहाँ से अगर नहीं कम रहा है तो आप इस नाट को थोड़ा ढीला या टाइट करके देखो आपका RPM सबसे बेस्ट कहाँ आता है, जो इंजन RPM लो रहता है। तो मेरे यहाँ पे मैंने टाइट करके देखा और इसी जगह पर मेरा RPM ठीक लगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसका RPM अभी ठीक है, माइलेज भी सही आएगा। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहते और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।